प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज के दिन प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहा है, आपको अच्छी नींद दी है, सुबह का भूरे दिखाया है, सिर्फ धन्यवाद करें। मेरा परमेश्वर कह रहा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उठते बैठते चलते फिरते सुख में दुख में सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आज एक बार फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ। 24 नवंबर 2020 प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे? अच्छी नींद दिए धन्यवाद नहीं करेंगे? अच्छी जॉब दिए धन्यवाद नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दुखी हैं तो भी धन्यवाद करें, सुखी हैं तो धन्यवाद करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, पास्टर सुशील मसीह जो हमारे साथ इस मन्ना को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च HGBC में ना ओनली फाइव मिनट्स आपको देना है, 5 मिनट प्रभु यीशु मसीह को आज की सुबह आप दे रहे हैं। आप ऑटो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं, इस मन्ना को सुनिए। आज पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीषों से भर देगा, वो आशीष है जो आज तक आपने देखी, स्वर्ग का भंडार भरा हुआ, मांगते तो है पर मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 5 मिनट प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे रहे, जबकि आपको 2 घंटा 40 मिनट 24 घंटे का दशमांश आपको देना अपना समय। आप 5 मिनट अगर प्रभु को देंगे तो जो ताजा हो जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आप किस हाल में है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों से प्रेम करता हूँ, पाप से घृणा करता हूँ। इसीलिए 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया और आपका और मेरा उद्धार किया है। क्या आपका उद्धार हो गया है? आपने मन फिराया है, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया है, तो आज का मन्ना आपके लिए है। मैं धन्यवाद करूंगा रिवाइज वर्सिंग पेज पर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा HGBC प्रार्थना भवन में आपका इंतजार कर रहे हैं। आज का जो वर्ड्स है गोल्डन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू 14 बाब की लास्ट में जा रहे हैं एकदम, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है 32 आयत में, जब वे नाव पर चढ़ गया यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। हालेलुया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो चेले कह रहे हैं जिनके संग वो चल रहा था, मुर्दे जिंदा और जिंदा दे रहा था, लंगड़ा चल रहा था, अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है। जब उनकी जान बच गई, आपकी जान भी आज बच सकती है अगर आप उसे दंडवत करेंगे। लेकिन आपने तो दंडवत करना है पैसे को, आपने दंडवत करना अपने प्लीज करना है अपने आंटी फूफा अंकल को चाचा ताऊ को प्लीज करना है। मेरे अजीज अगर प्लीज करना है धन्यवाद करना है तो आज यीशु मसीह को करें, दंडवत करें यीशु मसीह को, तो वो माता पिता आपके हो जाएंगे, वो बच्चे आपके हो जाएंगे, वो परिवार आपका हो जाएगा। जब आप यीशु मसीह को प्लीज करना सीख जाइए, धन्यवाद और दंडवत करना यीशु के सामने झुक जाइए। जितना आप झुकेंगे, मुझे अच्छे से याद आ रहा है एक स्त्री थी और वो इतना झुकी उसके पाँव में गिर गई और उसने एक काम किया, इत्र का पात्र तोड़कर उसके ऊपर डाला और अपने बालों से उसके पाँव को पोछने लगी। परमेश्वर ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। आप दंडवत करने के लिए, जो दंडवत करता है वो झुकता है, क्या आप झुक रहे हैं? मेरा अजीजो चेले जो नाव पर थे और यीशु मसीह को देखकर उसे दंडवत किया और जब वो नाव पर चढ़ा हवा थम गई, मतलब परेशानियां तकलीफ बीमारियां डर खत्म हो गया। अगर आप यीशु मसीह को दंडवत कर रहे हैं, यीशु मसीह आपके घर में आ गया है, आपके जीवन में आ गया है, तो आज रिवाइवल जागृति आ गई है, हवा थम जाएगी, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, गड़बड़ियां निकल जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी। यीशु मसीह को दंडवत करें, उसको रिसीव करें और वो आपकी जीवन रूपी नाव में सवार कर लीजिए। नहीं तो आपकी नाव जिस प्रकार से चेलों की नाव डगमगा रही थी बीच समुद्र में, आपकी नाव इस संसार में डगमगा रही है। तो आ जाइए, यीशु मसीह को दंडवत करें और उसे रिसीव करें। देखिए हवा थम जाएगी, बेरोजगारी थम जाएगी, बीमारी रुक जाएगी, गड़बड़ियां चली जाएंगी, चंगाई आ जाएगी। और उसके बाद चेलों ने एक बात कही, इस पर उन्होंने नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या आज की सुबह आप कह रहे सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है? अगर आप विश्वास करेंगे तो उसके आश्चर्यकर्म को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि विश्वास मन से किया जाता है। कि ये कुआरी कन्या से पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता के दाहिने हाथ बैठा, अब फिर आने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप कहते हैं सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, कोई बुराई कोई गड़बड़ी आपके जीवन में नहीं आएगी।
और मेरे अजीज उसके बाद गन्नेसरत झील के पार जब पहुंचे, लास्ट वर्ड है, आज खत्म हो रहा हमारा 14 चैप्टर, कल से 15 स्टार्ट होगा। फिर लिखा है वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुंचे, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश के देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उसने विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र को आंचल को ही छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। जितनों ने आप यीशु मसीह को छू रहे, आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहे, आप चंगे हो जाएंगे। गन्नेसरत के पूरे बीमार, पूरा गांव का गांव, पूरा नगर का नगर निकल के आ गया और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। लेकिन आप और हम नहीं पहचान पा रहे, क्यों? क्योंकि संसारिक दौड़ धूप, टाइम नहीं है चर्च जाने का, प्रार्थना करने का समय नहीं था, आज बाइबल नहीं पढ़ पाए, आज हम प्रार्थना नहीं कर पाए। क्या नालत है आपकी जिंदगी में कि आप यीशु को अपने जीवन में रिसीव नहीं कर रहे? दुनिया निकल के आ रही है, चंगाई पा रही है, इसलिए लिखा है जो पीछे थे वो आगे हो गए, जो आगे है वो पीछे हो गए। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आपको आशीष दे और आज आप चंगे हो रहे हैं, आज आपके घर में जागृति आ रही है यदि आप रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज 24 नवंबर 2020 मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप विश्वास करेंगे तो चमत्कार को देखेंगे अपने जीवन रूपी नैया में। यीशु को सवार कर लीजिए, वो विरोधी हवाएं, दुष्ट आत्माएं, गड़बड़ियां जीवन से चली जाएंगी, शांति आ जाएगी और आप कहने पाएंगे सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह एक एक विश्वासी के लिए, जितने लोगों ने इस मन्ना को सुना है, जीबीसी मन्ना, हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए तयार है। और एजीबीसी मन्ना 5 मिनट आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आपने अपने समय प्रभु यीशु मसीह को दिया है? आप यीशु के पास आए हैं, अपने घुटने को टेका है, उपवास प्रार्थना की है, तो आज प्रभु आपके जीवन में कैसी भी गड़बड़ी है, कैसी भी बीमारी है, चंगा कर रहा है। मैं स्वर्ग से देख रहा हूँ कि बड़ी चंगाई को आ रही है। मैं आपके विश्वास को अपने विश्वास से मिलाता हूँ। चाहे कैसी भी बीमारी आपको घेरे हुए, कैंसर, लिवर सिरोसिस, किडनी डायलिसिस, मैं कहना चाहता हूँ लीवर फंक्शन गड़बड़ है, मैं कहना चाहता हूँ अर्थराइटिस हो गई है, प्रभु यीशु मसीह के पांच छिदे हाथ, घायल हाथ आपको छू रहे हैं। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ एक एक विश्वासी के लिए। भारत देश से कोरोना वायरस इसी समय खत्म हो जा, पॉल्यूशन नॉर्मल हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, हम दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, लेकिन आज कोरोना कैपिटल बन गया है। प्रभु यीशु मसीह हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं दिल्ली नॉर्मल सिर्फ इंडिया का कैपिटल रहे, कोरोना कैपिटल नहीं। शैतान तुझे हुक्म देता हूँ यीशु नाम से गुंडा रख में भस्म हो जा। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ अपने बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, विशेष प्रार्थना करता हूँ हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च प्रार्थना योद्धाओं के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए, प्रार्थना करता हूँ एक एक पासवान के लिए, आज हर एक मिनिस्ट्री के लिए, हर एक चर्च के लिए। हम प्रार्थना करते हैं दिल्ली शहर को बड़ी महामारी से बचाइए, भारत देश को महामारी से बचाइए। हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देना चाहते हैं। आप बड़े और हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं।